सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूवर्स बिना गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में उसको खरीदने से पहले ही सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी कमियां और सारी खूबियां, ताकि जब उनके खरीदने का टाइम आए तो उन्हें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या दिक्कत ना हो कि ये भाई हमने क्या ले लिया, ये किस पे पैसा लगा दिया। उसी तरीके से आज बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी टोयोटा ग्लांजा का। आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इस गाड़ी के ओनर है मेरे ताऊ जी और मैं इस गाड़ी को खूब चलाता हूँ, ये लगा लो कि दिन रात चलाता हूँ, तो मैं इसकी सारी कमियाँ खूबियाँ जान चुका हूँ। तो इसका रिव्यू आज आपको मैं खुद देने वाला हूँ एज एन ओनर, और इसके बारे में जितने भी सवाल हो सकते हैं एक आम इंसान के अंदर यानी कि आपके अंदर, आपके बिहाफ पे पूछने वाले हैं मेरे बड़े भाई जो कि कैमरे के पीछे मौजूद हैं। मैं वादा करता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या होगा पारस जी, गाड़ियाँ तो बहुत हैं मार्केट के अंदर, पर सिर्फ ग्लांजा ही क्यों चूज करी आपने, इसका एक परफेक्ट रीजन बताइए। देखो रीजन इसका ये है कि जब भी कोई गाड़ी लेने निकलते हो ना तो आपको पहले बजट से पहले सेगमेंट डिसाइड करना होता है कि आप क्या लेना चाहते हो। आप एसयूवी लेना चाहते हो, हैचबैक लेना चाहते हो, प्रीमियम हैचबैक लेना चाहते हो, मिड साइज एसयूवी लेना चाहते हो या कॉम्पैक्ट एसयूवी। उस बीच ये है प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट, इसमें लगभग मोटा मोटा 4-5 गाड़ी इसकी कॉम्पिटिशन में आती है। पहली है बलिनो, फिर i20, फिर अल्ट्रोज, और ऐसे करके 3-4 ऑप्शन और भी आ जाते हैं जो प्रीमियम हैचबैक के अंदर आते हैं। उस प्रीमियम हैचबैक में अगर आपको माइलेज एज वेल एज लॉन्ग टर्म इंजन रिलायबिलिटी चाहिए तो उस बीच आप टोयोटा ग्लांजा को चूज कर सकते हैं। हालांकि ये लेनी चाहिए या नहीं ये मैं वीडियो के एंड में क्लियर करूंगा। हाल फिलहाल में टोयोटा ग्लांजा माइलेज और लॉन्ग टर्म इंजन रिलायबिलिटी को देखकर ली गई है। और ये बताइए कि ये वेरिएंट कौन सा है और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा आपको कंप्लीट? देखो ये है इसका वी वेरिएंट जो कि सबसे टॉप एंड वेरिएंट आता है। आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, वेरिएंट आपका बजट डिसाइड करता है कि आप कौन सा लेना चाहेंगे। ये वी वेरिएंट लगभग 11.5 लाख के अराउंड कॉस्ट करता है और डिस्काउंट वगैरह लगा के 11 लाख का ये कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन जो कोई और वेरिएंट लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि हम इसकी जो जो चीजें कवर करने वाले हैं वो बाकी वेरिएंट्स में सेम होती है, जैसे कि इंजन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन एंड सीट्स एंड स्पेस, तो उसको देखते हुए वीडियो बनाई जाएगी। तो अगला सवाल आपका क्या है भारत जी? अगला सवाल ये है कि गाड़ी का सबसे जरूरी चीज इंजन होता है जो उसका मेन मतलब कि एक तरह की बैकबोन होती है गाड़ी की, तो उसके बारे में बताइए कि इंजन की परफॉर्मेंस और बाकी चीजें जो इंजन से रिलेटेड माइलेज, ब्रेक, सस्पेंशन, तो बताइए। देखो इंजन को लेके इसमें पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, मैक्सिमम पावर 89 bhp और मैक्सिमम टॉर्क आई थिंक 115 Nm की वो निकाल देता है। अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें, इतना ज्यादा रिफाइंड इंजन है कि कैबिन के अंदर कई बार तो आप गाड़ी को दोबारा रिस्टार्ट कर बैठते हो ये सोच के कि कहीं इंजन स्टार्ट भी हुआ है या नहीं, यानी कि इतना रिफाइंड और इतना साइलेंट है। दूसरी ओर अगर पावर फिगर्स की बात करें, इसकी कॉम्पिटिटर में i20 को ले लीजिए, उससे थोड़ी सी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, और दूसरी ओर अगर अल्ट्रोज को लेते हैं उससे ज्यादा ये रिफाइंड है। तो इन चीजों को देखते हुए, और बलिनो और ये तो एक ही इंजन शेयर करती है, तो कहीं ना कहीं इंजन लॉन्ग टर्म रिलायबल भी है, हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सिटी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऑल ओवर इसका इंजन काफी अच्छा है। हालांकि गाड़ी में बहुत सी कमी है जो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगला सवाल आप पूछ लीजिए। किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले सबसे पहला सवाल किसी भी कस्टमर के माइंड में यही आता है कि उसकी माइलेज कितनी है, तो इस गाड़ी की माइलेज के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो माइलेज तो ये काफ़ी अच्छी देती है, बलिनो इससे पहले ही सड़कों पे चल रही है जिसकी माइलेज गवाही देती है कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। सिटी की बात करें, अगर सिटी में आपके एवरेज ट्रैफिक रहता है तो 13 से 14 की माइलेज ये सिटी के अंदर दे देती है, और अगर हाईवे की बात करें, लॉन्ग टर्म हाईवे पे आप चल रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड को चलाते हुए चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 20 तक का माइलेज ये आपको दे देती है। हालांकि माइलेज आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आरपीएम पे और कितनी स्मूथली गाड़ी को चलाते हैं, रफ चलाओगे माइलेज कम देगी,
स्मूथ चलाओगे ज़्यादा देगी, लेकिन सिटी में ये दे देती है लगभग 14 का, और हाईवे पे 19-20 का माइलेज ये हाल फिलहाल में दे देती है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है इस गाड़ी को लेकर। पारस जी, कोई भी गाड़ी चलाते वक्त उस ग्राउंड क्लियरेंस बहुत मद्देनज़र रखा जाता है उसे, तो इसका ये बताइए कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस कैसा है इस गाड़ी का? देखो बड़े भैया, ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है 170 mm की, जो कि प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से इनफ है। आप ये देख सकते हैं, अभी यहाँ से नीचे उतारी है ये गाड़ी, इतना बड़ा ये हर्डल था और ये नीचे लगी भी नहीं और इजिली आ गई। लेकिन अगर इसके हम बूट स्पेस की बात करें, 318 लीटर का बूट स्पेस देती है, बूट स्पेस तो सफिशियंट है, लेकिन जो इसकी एंगल की हाइट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सामान डालने और निकालने में कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस फील होता है। अगला सवाल ये है पारस जी कि इस गाड़ी का सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर का कैसा है, मतलब हिसाब किताब इसमें? देखो अगर सस्पेंशन की बात करें भाई, इसका सस्पेंशन ना एवरेज या नॉर्मल बोल सकता हूँ मैं। अभी ये गाड़ी नई है, काफ़ी कम चली है, तो सस्पेंशन कम्फर्टेबल फील होता है। लेकिन अगर इस बलिनो की बात करें, इसमें और बलिनो में एक टैग का चेंज है, एक पे मारुति सुजुकी का है, एक पे टोयोटा का है, अदरवाइज गाड़ियां बिल्कुल सेम है। तो इसके सस्पेंशन कहीं ना कहीं 40,000 किलोमीटर चलने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाद में टैथरिंग रेटलिंग की नॉइसेस और डिस्कम्फर्ट देने वाले हैं। हाल फिलहाल में सस्पेंशन काफ़ी कम्फर्टेबल है, बॉडी रोल गाड़ी में नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर कैबिन को लेकर छोटी मोटी आवाज़ें चचर मचर की, टैथरिंग रेटलिंग की आती रहती हैं। और अगर बात करें टायर की, भाई 16 इंच के टायर मिल गए हैं, डायमंड कट इसमें आपको एलोय मिल रहा है, और जो टायर की प्रोफाइल काफ़ी लो फील होती है, जो हाईवे के टायरन के हिसाब से मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, नॉइज़ भी काफ़ी कम है और रिलायबल है। तीसरा क्वेश्चन आपका ब्रेकिंग को लेके था, तो ब्रेकिंग को लेकर ABS, EBD, ESP, हिल होल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, भाई सब सारे फीचर दबा के मिलते हैं। लेकिन फ्रंट टू तो डिस्क है, रियर ड्रम है। गाड़ी की ब्रेकिंग ठीक है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत बेकार है। हाल फिलहाल में ब्रेकिंग को और सस्पेंशन को लेकर यही रिव्यू है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एवरेज लगते हैं, लेकिन टायर्स वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। पारस जी, एक्सटीरियर ने तो मेरा दिल जीत लिया इस गाड़ी ने, पर मैं चाहूँगा कि गाड़ी का इंटीरियर भी मेन है, क्योंकि चलानी तो बंदे ने अंदर बैठ के ही होती है। सही बात है, तो गाड़ी का कुछ अंदर का भी आप थोड़ा मुआयना कराइए। देखो सबसे पहले तो ये टॉप वेरिएंट है, तो कीलेस एंट्री है, ये बेसिक सी चाबी मिलती है जैसी आपको मारुति में मिलती है उनके टॉप वेरिएंट्स में, वैसी ही इसमें है, बस यहाँ लोगों का चेंज है। और दूसरी ओर सेंसर से एंट्री है। देखो इंटीरियर में ये है कि पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है, ठीक है, स्टेयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ऑटोमेटिक AC मिलता है, और जो आप ये टॉप एंड है तो कहीं ना कहीं ग्लोसी टच मिलता है इसके इंटीरियर में आपको। लेकिन ऑल ओवर अगर इंटीरियर का मैं रिव्यू दूं, जैसे कि i20 है, क्या इंटीरियर देते हैं भाई, वो गजब का इंटीरियर देते हैं। इतना प्रीमियम इंटीरियर Hyundai देती है कि मारुति या टोयोटा कभी नहीं दे पाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में उनके इंटीरियर को ये इंटीरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं ओवरटेक नहीं कर पा रहा। i20 आपको कहीं ना कहीं सनरूफ दे देती है, उसका एस्टा वेरिएंट, बट आपको ये गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। अदर देन दैट, फिट एंड फिनिशिंग मुझे एवरेज लगती है इस इंटीरियर की, कोई खास नहीं है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बता देता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना आ गया है, तो डिजिटल वर्ल्ड के होते हुए यहाँ पे अभी तक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, बीच में छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले मिल रही है, लोगों को अब ऑल डिस्प्ले डिजिटल पसंद है। बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर इंटीरियर में आप कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। इंटीरियर में सबसे पहले आप थोड़ा स्टीयरिंग का बताइए कि कैसी ग्रिप है और कैसा मतलब परफॉर्म करता है स्टीयरिंग। देखो स्टीयरिंग इसका लाजवाब है, अगर इसकी ग्रिपिंग की बात करें, सिटी के अंदर इतना लाइट परफॉर्म करता है कि एक उंगली पे स्टीयरिंग इजीली परफॉर्म कर लेता है। बलिनो का या इसका स्टीयरिंग में ना तो कोई कमी पहले काउंट हुई है ना हाल फिलहाल में काउंट हो रही है, और मैंने लोगों से इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में पूछा है, उनको भी इस गाड़ी की स्टीयरिंग में किसी प्रकार की कोई कमी फील होती नहीं। बिल्कुल। और पारस जी, जैसे कि गाड़ी हमारा दूसरा घर होती है, तो गाड़ी घर होती है तो AC की भी जरूरत पड़ती है हमें, तो इसी वजह से ये बताइए कि AC की परफॉर्मेंस इस गाड़ी में कैसी है
और गाड़ियों के मुकाबले। एसी आपके आगे ऑटोमेटिक है, हाँ जी ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मैं यूं नहीं कहूंगा एवरेज है, इसकी परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में वाकई में बहुत अच्छी है। बहुत लॉन्ग टर्म रिव्यू का अभी नहीं पता, लेकिन अभी तो ये एसी चिल्ड कर देता है। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये रियर एसी वेंट्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इनकी वजह से एक छोटा सा इशू भी होता है, वो कहते हैं ना चांद में भी दाग है, बिल्कुल सही, तो इसमें भी आता है। ये जो पिछली सीट है, हाँ जी, वैसे इस पे तीन आदमी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, लेकिन जब तीसरा आदमी मिडल में बैठता है ना, तो उसको इस एसी के रियर वेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं लेग रूम का थोड़ा इशू आता है। और अगर बात करें हेडरूम की, भाई प्रीमियम हैचबैक है तो हेडरूम कहीं ना कहीं प्रीमियम नहीं देती, नॉर्मल देती है। हेडरूम इसका एवरेज है, आगे वालों के लिए भी पीछे वालों के लिए भी। और मैं अपने आप ही सीट्स एंड कंफर्ट की बात कर लेता हूँ, बड़ी बकेटेड सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कंफर्ट है। लॉन्ग टर्म रूट्स पे या हाई स्पीड पे आप कहीं जा रहे हैं, सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं, पहाड़ों पे ट्रेवल कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं देती। और इंटीरियर में आप कुछ पूछना चाहें? और इंटीरियर में इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम किस तरह वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो आप यहाँ पे दिखाइए कि ये 9 इंच का इंफोटेनमेंट है, सारे फीचर देता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, यहाँ तक कि गाड़ी की भी जितनी डिटेल्स ये दे सकता है यहाँ पे दे देता है। लेकिन इसके इंफोटेनमेंट की जो स्पीकर की क्वालिटी है ना, वो एनी हाउ ठीक ठाक है। i20R आपको बोश के स्पीकर देती है, बिल्कुल, मतलब दिल लग जाता है गाड़ी में बैठते ही, इसमें वो वाली फीलिंग नहीं आती कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है, जरूरत पूरी करता है, मजे इतने नहीं देता, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी देखो ये आपको दिखा देता हूँ मैं, IRVM भी, ये भी इसमें डिजिटल दे रखा है, मतलब पैसा भरा है ना, तो पैसा तो कहीं ना कहीं पूरा कर ही रखा इस गाड़ी ने। जी भारत जी, आपके सवाल खत्म हुए या और कुछ भी बाकी है? बाकी है, अभी इतनी जल्दी थोड़ा ना जाने देंगे आपको हम। हाँ जी, तो सबसे मेन चीज जो आज की डेट में भी मतलब मद्देनजर रखी जाती है वो है सेफ्टी। इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सेफ्टी के बारे में सिंपल सी बात है, सेम मारुति बलिनो और ये एक ही चीज है, ये लोगो बदल दिया है। अगर किसी को डाउट हो ना कि भाई मारुति की हल्की है टोयोटा की भारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को तराजू पे तोल लो, बिल्कुल सेम है। आई थिंक इसका कर्व वेट भी 965 kg, 945 kg। सेफ्टी को लेके बलिनो को भाई 3 स्टार मिले हुए हैं, तो ये उससे ज्यादा थोड़ी ले सकती है, तो सेफ्टी को लेके तो अच्छी नहीं है, या यूं बोलूंगा एवरेज सेफ्टी है। लेकिन इसमें 6 एयरबैग जरूर मिल रहे हैं आपको इस वेरिएंट में, जो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि प्रीमियम हैचबैक में टाटा जितनी सेफ्टी कोई नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर ह्यूंडई, टोयोटा और मारुति इनकी बात करें, ये तीनों तराजू में एक तरफ, और टाटा की अल्ट्रोज जो कि प्रीमियम हैचबैक है सेफ्टी के मामले में वो एक तरफ, तो सेफ्टी जिसको चाहिए प्रीमियम हैचबैक में वो तो या तो टाटा अल्ट्रोज ले या कोई और ले, तो सेफ्टी को लेके एवरेज है, या यूं बोलूं कि बिलो एवरेज है। आरस जी लास्ट में आते हैं, गाड़ी का कंक्लूजन क्या देंगे आप कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? देखो जी, कंक्लूजन सुनने से पहले तो जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी और ईमानदार बातें करते हैं आपके लिए, ताकि आप अपना डिसीजन इजीली बना पाए, बिना गाड़ी को खरीदे उसके बारे में सब कुछ जान पाए। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करो, कुछ अच्छा प्यारा कमेंट करो, कोई नई डिमांड है तो उसको भी कमेंट करो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम चाहते हैं हम कहीं ना कहीं आपके साथ मिलकर प्रोग्रेस करें। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला बहुत बढ़ता है। और कंक्लूजन की अगर बात करें, देखो अंदर बाहर की इतनी सारी बातें कर ली, आज हमने पहली बार ट्राई किया ऐसा रिव्यू देना, ऑडियंस के बिहाफ पे बड़े भैया ने सारे अच्छे सवाल पूछे, और मैंने भी ओनर के बिहाफ पे बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। उधर कंक्लूजन की बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स में बांट देता हूं मैं इस कंक्लूजन को। इस गाड़ी के प्रोज क्या है, ये माइलेज अच्छा देती है, इंजन बहुत रिलायबल है, और टोयोटा भी एक बहुत रिलायबल ब्रांड है, आपको मजा ही मजा देगा। और दूसरी और इसकी बुराइयां क्या है, बुराइयां ये हैं कि भाई इंटीरियर इसका एवरेज है एज कम्पेयर टू i20। अदर देन दैट बलिनो और ग्लांजा सेम गाड़ियां हैं, सिर्फ टैग का फर्क है। बलिनो इससे 50,000 रुपया सस्ती है और ये 50,000 रुपया महंगी है, भाई ऐसा क्यों, ये गलत चीज है। ऊपर से मारुति आपको ज्यादा सर्विस सेंटर्स दे रही है, ज्यादा रीसेल वैल्यू दे रही है, ये उससे थोड़ा सा कम रीसेल वैल्यू देती है, और कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर्स भी इसके मारुति के कंपैरिजन में कम है।
तो ये कहीं ना कहीं इसके मोटे मोटे नेगेटिव्स हैं। इंफोटेनमेंट को लेके इंफोटेनमेंट परफॉर्म अच्छा करता है, लेकिन i20 इतने ही पैसे लेके आपको बोश कंपनी के स्पीकर्स दे रही है, और ये कहीं ना कहीं आपको एवरेज स्पीकर्स देती है जिनकी परफॉर्मेंस भी एवरेज है। इसके बाद आपका डिसीजन है कि भैया आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं। हमने अपना काम कर दिया, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब ना, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहां से कॉन्टैक्ट कर लेना। और अगर इस टाइप का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो हम फ्यूचर में आपको इसी तरीके के और भी रिव्यूज देंगे। तो कहीं ना कहीं आप कमेंट कर देना किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। भारत गाबा भाई का धन्यवाद जो अपनी छुट्टी वाले दिन मेरी मदद करने के लिए आ गए और मेरे रिव्यू को काफ़ी इजी बना दिया।